Introduction is the most important part of essay writing. This is the message that I got when I posted that outline is the most important yet the most neglected part of essay writing by the aspirants. देखें, इसका रैशनल ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि नहीं सर, हमें तो यही पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है, उसको इंप्रेसिव होना चाहिए, उसको आई कैचिंग होना चाहिए, उसको अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए. मैंने उनको ये कहा कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं इंट्रोडक्शन के हवाले से, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसे राइटिंग का नहीं है. क्यों? क्योंकि पहले आप एग्जामिनर को अपने इंट्रोडक्शन तक पहुँचा तो दें, वो तो बहुत से केसेस में आपके इंट्रोडक्शन तक पहुंचता ही नहीं है. वो तो इंट्रोडक्शन पे पहुंचने से पहले ही आपकी तकदीर का फैसला कर देता है कि वेदर उसने आपको पास करना है या नहीं करना. क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी आउटलाइन से एक दफ़ा गो थ्रू करता है तो उसको ये फ़ौरन से समझ आ जाती है कि वेदर आपको समझ आई है या नहीं आई, कि उसने आपसे क्या पूछा है और कितना पूछा है. कहीं आप सवाल गंदम और जवाब चना वाला काम तो नहीं कर रहे उसके साथ. तो आउटलाइन जो है, स्टूडेंट्स जो है उसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, उस पर वो उस तरह से एफर्ट्स पुट इन नहीं करते, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल मिस्टेक है उनकी तरफ से. तो इस पे मैं उन्हें स्ट्रांगली एडवाइज़ करूँगा कि आप अपनी आउटलाइंस पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम करें, उनको आप पहले ठीक कर लें. इंट्रोडक्शन को भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन उससे पहले जो माइलस्टोन है जिस पे आपका फैसला हो जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम पास होना है या नहीं होना, वो आउटलाइन है. तो पहले आप आउटलाइन को ठीक कर लें, द नेक्स्ट स्टेप इज़ इंट्रोडक्शन. ठीक है, जो फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग्स हैं, जो फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग इन अ सेंस के जो प्रॉपर जो पैराग्राफ है, हाँ वो एक पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन, जो कि एग्जामिनर पढ़ता है और बड़े ध्यान से पढ़ता है, पहले लफ्ज़ से लेके आखिरी लफ्ज़ तक पढ़ता है. इसलिए उसको बिल्कुल इंप्रेसिव होना चाहिए, उसको होना चाहिए आई कैचिंग. लेकिन अगेन मैं फिर से यही रीट्रेट करूँगा कि इट इज़ द आउटलाइन दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट येट द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग बाय द स्टूडेंट्स. आई होप कि अभी ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जब जो मेरा रैशनल है इसके पीछे, वो आप तमाम लोगों को समझ आ गया होगा. थैंक यू.